चाहता हूँ ना कि दो टाइम में नमाज पढ़ने आया ना, देखते कि बच्चे लोग एक तरफ बैठे रहते हैं, एक तरफ मोबाइल चलाते हैं, एक तरफ गप कर रहे हैं, कोई इधर उधर लेटे हुए हैं, ये सब दो लड़का बैठ के गप कर रहा है, सब उधर बैठ के मोबाइल चला रहा है और बच्चे वगैरह इधर उधर गप कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा तो नमाज आपने पढ़ दी? जी मैंने नमाज पढ़ी, तो नमाज पढ़ ली, लेकिन वहाँ ध्यान वगैरह नहीं लगा रहा, क्योंकि इधर उधर बैठे हुए ना, तो मतलब ध्यान वगैरह लगता नहीं, जैसे इधर हंस रहे, इधर ये कर रहे, वो कर रहे, मोबाइल वगैरह चला रहे हैं। बात दरअसल ये है ना कि मस्जिद में जो लोग बात करते हैं या मोबाइल चलाते हैं, है ना, तो इसके मुताबिक मैंने बहुत मरतबा जुमे में खतरे के दौरान बताई, लेकिन लोग हैं जो करने का नाम नहीं ले रहे। बहरहाल तो नमाज जब आप पढ़ते हैं ना, तो पूरी तवज्जो आपकी नमाज में नहीं होती है ना, इसकी वजह से जैसे लोग बात कर रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो आपका ध्यान एकदम चला जा रहा है। इसी कारण में जब भी अगर नमाज पढ़ जब फारिग हो जाता हूँ, जब फिर दोनों तरफ देखना पड़ता है, दोनों तरफ चला रहे तो हमको अच्छा नहीं लग रहा ना, तो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ लेकिन नमाज में मतलब ध्यान नहीं लग रहा कि दोनों तरफ से गप वगैरह कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह चला रहे, इसलिए मैं सोचा कि इमाम साहब से चलो मुलाकात कर लेता। ये एक गिलास है, इसमें पानी है, आप इस पानी को अपने हाथ से पकड़ें जिस तरीके से चाहते हैं, ठीक है, और आप इस पानी को ये जो मस्जिद आपने जिसे ली चारों तरफ से आपको एक मरतबा टहलकर जाने के घूमना है चारों तरफ से, और पानी जो है इस गिलास का एक भी बूंद नीचे जमीन पर नहीं गिरेगी, बात समझ में आ गई, तो आप यही सोचिए। तो इसमें जो पानी हमने आपको दिया था, आपने चार चक्कर लगाया, लेकिन एक बूंद पानी जमीन पर नहीं गिरा, लोग उस वक्त भी बात कर रहे थे जब आप नमाज पढ़ रहे थे, है ना, दो आदमी मोबाइल चला रहे थे, बात कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, उस वक्त आपका ध्यान आपकी तवज्जो उस तरफ हो, ठीक, लेकिन आपने जब गिलास में पानी लेकर घूमा, चक्कर लगाया, उस वक्त भी लोग मोबाइल चला रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया, क्योंकि आप जानते थे कि अगर मेरी तवज्जो मेरा ध्यान अगर उस तरफ चला जाएगा तो पानी गिलास से नीचे जमीन पर गिर जाएगा, इसका मतलब यह है कि आपकी पूरी तवज्जो गिलास पर थी, इसका मतलब यह है कि आपकी पूरी तवज्जो गिलास पर थी, आपका पूरा ध्यान गिलास पर था, ठीक, जब आप नमाज पढ़ें उस वक्त भी आपकी पूरी तवज्जो और आपका पूरा ध्यान नमाज में होना चाहिए, इससे ये समझ में आया कि आप जब नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त जो है आप लोगों के बारे में सोचते हैं, नमाज के बारे में नहीं सोचते हैं, आपका पूरा ध्यान इसी वजह से नमाज में आपका नहीं रहता, तो जिस वक्त आप नमाज पढ़ेंगे उस वक्त पूरा ध्यान अपने ऊपर रखेंगे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, जब भी आप नमाज पढ़ें तो आप ये ध्यान रखें कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा कि लैला मजनू के दौर में जब मजनू लैला के इश्क में पागल था, मजनू पागल ही को कहते हैं अरबी में, ठीक है, मजनू वो एक नमाजी के आगे से गुजर गया, वो क्या कहता है मजनू, जब उस नमाजी ने कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा क्या हम नमाज पढ़ रहे, तुम मेरे आगे से निकल गए, मजनू ने कहा कि तुम कैसे नमाजी हो,
जो तुम सारी दुनिया को देखते फिरते हो, हम तो एक लड़की की मोहब्बत में, दुनियादारी के मोहब्बत में इस कदर जो है आशिक हो गए हैं, पागल हो गए हैं, कि उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और आप कैसे नमाजी हैं, अल्लाह की कैसी मोहब्बत रखते हैं दुनिया, जो आपको पूरी दुनिया दिखाई देती है। तो ठीक उसी तरीके से जब आप नमाज पढ़ें तो पूरी तवज्जो पूरा ध्यान नमाज में रखें और अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का खौफ दिल में रखकर पढ़ें। बात समझ में आ गई है ना। इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप तमाम लोगों को नमाज जो पढ़ते हैं उस वक्त तवज्जो ध्यान इधर उधर जो भटक जाता है, क्योंकि आज के दौरे हाजिर में मैं देखता हूँ कि अक्सर व बेशतर मस्जिद में कोई ना कोई लोग बैठे ही रहते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं या फिर बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आपको मस्जिद में बात करता हुआ या मोबाइल चलाता हुआ मिल ही जाएगा या कुछ भी काम करता हुआ मिल ही जाएगा। लेकिन उन लोगों की वजह से जो है हम लोग नमाज सही से नहीं पढ़ पाते हैं और हम समझते हैं कि नमाज इन्हीं लोगों की वजह से ख़राब हो रही है, लेकिन नहीं, गलती हम लोगों की भी है कि हम लोग नमाज जब पढ़ते हैं तो पूरी तवज्जो से नहीं पढ़ते हैं। जिस तरीके से ध्यान पूरा हम लोगों को नमाज में देना चाहिए उस तरीके से नहीं देते। तो इस वीडियो के ज़रिए से मैं सिर्फ जो है आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि नमाज जब पढ़ें तो आप पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें। इस वक्त मस्जिद में जितने भी लोगों को आपने देखा, ये सब जो है हमारे स्टूडेंट हैं, सभी को मैंने कहा कि इस तरीके से एक वीडियो बनाकर लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना है कि ताकि लोग जो दूसरे को गलत ठहराते हैं, अपनी नमाजें ख़राब करते हैं और दूसरे को गलत ठहराते हैं कि उन लोगों की वजह से हमारी नमाज नहीं हुई, ये ख्याल दिल से हट जाए और अच्छे से सही से वो नमाज पढ़ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा और आपके इल्म में भी इजाफा हो गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों में शेयर करें, सदकाए जारिया समझ कर इसका सवाब आपको भी पहुंचेगा जो इस वीडियो को देखकर इस पर अमल करेंगे। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।